नमस्ते, कैसे हो सब लोग? तिलक लगा के रखा हूँ, आप लोगों को कुछ पता ही चल रहा होगा। पहले बोलता हूँ हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। और फिलहाल मैं हूँ इस्कॉन में, काफ़ी टाइम पहले ही आ गया था, तो यहाँ कुछ प्रेयर्स हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सा अपना सर्विस भी दिया, फर्स्ट टाइम मैं भगवान के लिए कुछ किया, अभी कृष्ण जी के लिए कुछ किया, मतलब इस्कॉन टेम्पल में भगवान के जो मूर्तियाँ हैं उनके लिए कुछ किया, आप लोगों को वो भी दिखेगा। और इस्कॉन क्या है पूरा डिटेल्स में पता चलेगा। और ये जो इस्कॉन टेम्पल में आया हूँ ना, ये नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। रिसेंटली यहाँ पब्लिक के लिए ओपन किया है 17 अप्रैल को। पूरे दिल्ली में ना 18 इस्कॉन टेम्पल है, उसमें से एक ये है, ये नया है। पूरे इंडिया में ना पंचतंत्र तीन ही जगह मिलता है, यहाँ और एक मायापुरी में और एक यूएसए में। पांच तंत्र क्या है वो सब आप लोगों को सब डिटेल में पता चलेगा, बस ब्लॉग में बने रहिए। चंदन है क्या? भगवान के लिए निकल आएगा, यही है चंदन, खींचना है, निकल आएगा। नाम बताइए। मेरा नाम राधा मोहन दास है। थोड़ा टेंपल के बारे में बताइए। हरे कृष्णा। तो इस मंदिर का 2009 में भूमि पूजन हुआ था परम पूज्य गोपाल कृष्ण दास गोस्वामी महाराज की तरफ से। उससे पहले यहाँ पर काफी भक्त लोग थे, यहाँ से एक बस जाती थी पंजाबी बाग टेम्पल में, आप लोग वहाँ पर गए होंगे, वहाँ से हर हफ्ते एक बस जाती थी, उससे बहुत सारे भक्त लोग जाते थे। तो उसके बाद सीनियर भक्त ने डिसाइड किया कि रोडिया में मंदिर बनेगा। 2009 में इस भूमि का भूमि पूजन हुआ पर अब पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के द्वारा, और ये मंदिर बनना शुरू हुआ 2012 अक्टूबर के महीने से। इस मंदिर को बनने में लगभग 12 साल लग गए, 17 अप्रैल को इसकी ओपनिंग थी। तो इस मंदिर की बहुत सारी खासियत है, इस मंदिर में अंदर की जितनी पेंटिंग्स आप मेरे साथ आके देख सकते हैं। जगतपते गोपी गोपिका राधा कांत नमस्तुते
तो आप ये सब पेंटिंग देख रहे हैं, ये सब पेंटिंग स्पेशल राजस्थान से कारीगरों को बुलाया गया था, उससे पेंटिंग हुई है। अंदर से मंदिर मंदिर में जितनी भी नक्काश हुई है, इस स्वान रोहिणी में हर चीज़ हैंडमेड है, चाहे वही वाला दौर भी क्यों ना हो। और जो ये वाली दौर भी ओके, ये हाँ हैंडमेड। हाँ, आज इस मंदिर के बाहर ये सब जितने पत्थर लगे हैं सबके नक्काशी हुई, आप लोग देख सकते हैं कितनी बारीक नक्काशी है। इन सब नक्काशियों को करने में, एक एक पत्थर की नक्काशियों को करने में एक एक महीना लगता था। लोग बोलते हैं कि इतना टाइम कैसे लग गया। ये मंदिर पूरे एक एकड़ जमीन में फैला हुआ है। हर हमारे मंदिर में 3-3 ऑल्टर है। बीच वाले ऑल्टर में श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा, और उनके लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑल्टर में पंचतत्व है, जिसके अंदर महाप्रभु राधर पंडित नित्यानंद प्रभु और भी अन्य उनके पार्षद है। और ये पंचतंत्र जो है ना, ये इंडिया में तीन ही जगह पे है, या पूरे वर्ल्ड में तीन जगह पे है, वर्ल्ड पे तीन, एक दो इंडिया में और एक यूएस में। जो तुलसी माला पहनते हैं, हाँ। आप लोग शादी कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, ओके। तुलसी माला हाँ। कोई भी पहन सकता है, शास्त्र में पता है बहुत ही ज्यादा पापी आदमी था, उसने जीवन भर बहुत दुष्ट कर्म किए, बहुत लोगों को परेशान किया, पर उससे जिंदगी और तुलसी माला पहने गई उसके जीवन के। और जब वो मर गया, जब उसको यमदूत ले गया, उसको जय भगवान का दूध पहले ने बोला कि इसके जिंदगी भर तुलसी माला पहनी थी, इस वजह से उसके पाप माफ हो गए थे। तुलसी माला को कोई भी पहन सकता है। कुछ चार नियम? हाँ, चार नियम होते हैं। हम लोग प्याज लहसुन नहीं खा सकते, मांस मछली ये सब कुछ नहीं खा सकते। और इस मंदिर में बहुत कुछ देखने के लिए है, आप चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। ये मंदिर स्थित है रोहिणी सेक्टर 25 में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और इस मंदिर के हमारा टेम्पल हॉल है, इसके अंदर एक बार में 2-3 हज़ार लोग आ सकते हैं। इतना बड़ा टेम्पल पूरे दिल्ली NCR में कहीं नहीं है। और इस टेम्पल को मिला के पूरे दिल्ली में हमारे स्कोर के 18 मंदिर हो गए। ओके, ये नॉर्थ में सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है ना, ये वाले? हाँ, नॉर्थ में सबसे बड़ा है। ओके, और टेम्पल हॉल सबसे बड़ा है ये। इस टेम्पल हॉल में आपको बता दे रहा हूँ 2-3 हज़ार लोग आ सकते। तुलसी माला पहनने के नियम मेनली ये होते हैं कि अब प्याज लहसुन नहीं खा सकते, मांस मछली नहीं खा सकते, पर बाकी अगर हम जप ना करते हो तो हमें तुलसी माला पहन सकते हैं। पर हमें तुलसी माला पहन के जप करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माला पहन के जप करने के बहुत फायदे होते हैं। तुलसी माला पहन क्योंकि वृंदे देवी तुलसी महारानी स्वयं भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त है। भगवान के चरणों पर तुलसी पत्र लगाते हैं, चंद्र यात्रा चल रही है, भगवान के चरणों पर तुलसी पत्र दे सकते हैं। तो तुलसी महारानी बहुत बड़ी भक्त है। अगर हम एक भक्त के संघ के साथ भगवान का नाम लेते हैं तो उसका बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि अब तुलसी बाला पहन के पाप करें। तुलसी बाला पहन के अगर आप अचारी पाप करते हैं तो कोई नहीं, पर अगर हम तुलसी बाला पहन के जान बूझ के पाप करते हैं तो हमें 100% उसकी सजा मिलती है। जैसे जुआ, चार नियमों में ये भी तो है, जुआ हम जुआ कर खेलते हैं, हम जुआ खेलते हैं तो हमें उसका पाप मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम जान बूझ के ये वीडियो देख रहे हैं कि बाद में जुआ खेल रहे हैं। अगर आप बाज मछली पहनने के बाद मांस मछली, अगर आप बाज मछली खाते हैं, अगर आप गलत कृत्य देखते हैं, हम कोई भी पाप करते हैं कोई जान बूझ के, तो हमें इसकी सजा पक्का मिलती है। अगर हम फूकते हैं कुछ भी करते हैं तो हमें इसका पाप जरूर मिलता है। इसलिए हमें तुलसी वाले पहन के कभी जान बूझ के पाप नहीं करना चाहिए कभी। अगर ये वीडियो देखने से पहले जारी हो गया हो कोई नहीं। और तुलसी वाला पहन के हमें वैश्य अपराध तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी वाला खुद एक वैष्णव ही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और एक सवाल पूछूं, ये तुलसी माला आपके पास 3 है और इनके पास 2 है, तो ये कुछ इसका कुछ तुलसी माला ये होता है, तुलसी माला पहने कोई नहीं होता, कोई इसको ऐसे राउंड राउंड करके 6 भी पहन सकता है, okay. कोई 2 ही पहन सकता है, कोई 3 भी पहन सकता है, आदमी कितने चाहे उतने पहन सकता है। okay, ऐसा पर, कोई नहीं। पर देखो पर हमने अपने स्कॉन में बना रखा है कि जो 3 राउंड की कंठी माला पहनता है उसकी दीक्षा और रखी होती है, जो 2 राउंड की पहनता है उसकी दीक्षा नहीं होती। और आप अब पूछेंगे दीक्षा क्या होता है, दीक्षा यानी कि हम खुद को एक गुरु के अंदर सरेंडर कर देते हैं। और दीक्षा लेने के 4 नियम भी होते हैं, मैंने आपको 4 नियम बता दिए कि बाज मछली नहीं खानी चाहिए, गलत कृत्य नहीं देखना चाहिए, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, हमें 16 बाला करनी चाहिए। तो ये स्कॉन बेसिकली भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने के लिए, भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए, भगवान की बुक वितरण के लिए, ताकि लोग भगवान को जान सके, क्योंकि आजकल लोग बिल्कुल भगवान को भूल रहे हैं, उस वजह से स्कॉन है। पूरे वर्ल्ड में स्कॉन के काफ़ी सारे ब्रांच हैं,
इंडिया में ही 800-900 ब्रांच से ज्यादा हो गया, हमारे दिल्ली में ही 80-90 ब्रांच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मतलब इतना इन्फॉर्मेशन दिया हरे कृष्ण के, कृष्ण जी के बारे में और टेम्पल के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण। ये देखो कितना बड़ा बड़ा, कितना मतलब मैजेस्टिक है, ग्रैंड्योर क्या बोलते हैं एक वर्ड है ना ऐसा, कितना अच्छा बनाया है यार, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अभी आधा खोला हुआ है, आधा टेम्पल हॉल तो खोल दिया और नीचे म्यूजियम बनेगा, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये वो भी खोल देंगे, आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा। और एक मस्त ये मुझे गिफ्ट मिला, पवन भाई उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, वो तुलसी माला लगाते हैं, एंड थैंक यू पवन भाई अगर वीडियो अगर देख रहे हो तो आप। ये वाले वीडियो कुछ दिन बाद शूट हुआ है, फिलहाल मैं इस्कॉन में ही हूँ और पसीना देख सकते हो, थोड़ा क्रिटन हुआ था, कुछ क्लास के लिए आया था, आप लोग देखिए क्या हुआ था, पहले वो देख लीजिए उसके बाद मैं बता रहा देख ले। अभी होगा प्रसाद, प्रसाद खाएंगे, अभी लाइन बहुत लंबा लगा हुआ है, तो गर्मी है बाहर में, थोड़ी देर बाद खाने जाऊंगा अंदर। यो प्रसाद में भात, राजमा, ये पकौड़े का कुछ है, और ये जैसे इस्कॉन के बारे में आपको वो छोटे गुरुजी ने सब कुछ बता ही दिया इसके बारे में, इसका डिटेल्स और इस्कॉन के बारे में और ये वाले टेंपल के बारे में। आज एक सेशन था, सेशन का नाम था नो योरसेल्फ ऐसा कुछ था, और ये इसका देखिए डिटेलिंग देखिए, ये टेंपल है ना, टेंपल उसका सराउंडेड, टेंपल को पूरा सराउंड करके ये बनाया गया है। इसका वही अभी सेशन हो गया, सब कुछ आप लोग को लगभग पता चल ही गया, छोटे गुरुजी ने सब बताई दी। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि टेम्पल अभी बंद है, आप लोग को अभी दिखा नहीं सकते आज, मुझे अगर दिखाना होगा तो मुझे शाम तक रुकना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं है मुझे, मेरा और कुछ काम भी है, कल ऑफिस भी है, तो मुझे जाना पड़ेगा। चलिए ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, तथा बाय बाय एंड हरे कृष्णा, अपना ध्यान रखना, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये रहा एक्सप्लोरर मंजिल सेम ही है, फॉलो कर लेना यार, जो मेरा मैं थोड़ा वहाँ स्टोरीज वगैरह अपडेट देता रहता हूँ, तो फॉलो कर लेना। अभी के लिए बाय बाय, तथा जय हिंद हरे कृष्णा। रुकिए, जाने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो मैंने आज सेशन अटेंड किया ना, तो उससे क्या सीखने को मिला मैंने सोचा वो भी बता दूँ, जो मुझे सीखने को मिला एक ही लाइन में बताऊँगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जैसे ये आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, ये नेकलेस बोल लो या जो भी है, तो यहाँ ऐसे पर्ल्स है, ठीक है, तो ये पर्ल्स को किसने जोड़ के रखा है, एक धागा, वो धागा दिख रहा है नहीं ना, तो ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे जो पर्ल्स है ना, ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, कुछ भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सब मिला लो, सबको जोड़ के रखा है, और कौन रखा है, वो है भगवान। तो वही बताना था आज, मैं वही सीखा, तो मैंने सोचा अब ब्लॉग एंड करने से पहले वो भी बता दो, तो इसलिए कैमरा ऑन करके मैं घर पहुँच गया, तो मैंने ये बता दिया। के लिए बाय बाय टाटा, एंड इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है ओके बाय बाय, थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।